मुठभेड़ में शहीद हुए सिपाही हर्ष चौधरी की पत्नी ने ससुराल वालों पर मारपीट और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला थाना बछरायू इलाके का है। दरअसल सिपाही के शहीद होने के बाद उसकी पत्नी को आर्थिक मदद दी थी और सरकार की ओर से उसे सरकारी नौकरी देने की बात की गई थी, पर अब महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। हम आज एसपी सर से मिलने आए थे क्योंकि आज जब हम कल आए तो हमारे जो हमारा आवास है एसडीएम कॉलोनी में, मेरा सारा सामान सब कुछ मेरे सास ससुर और ननद नदूर उठा के चले गए थे। सब कुछ मेरा ऑल टोटल सामान वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हम उस उपलक्ष्य में अपनी कंप्लेन दर्ज कराने आए थे। दिनों में ये दबाव बनाया था कि मैं अपनी नौकरी और जो हमें योगी जी से सहायता प्राप्त हुई है वो उन लोगों को उनके नाम कर दूँ, लिख दूँ। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रबल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रबल, ये क्या कुछ मामला है जहां पर शहीद की पत्नी इतनी परेशान है? क्या कुछ एक्शन लिया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में? देखिए, मैं बता दूं, ये 27 जनवरी को पुलिस मुठभेड़ में जो सिपाही था हर्ष चौधरी, वो उसकी शहीद हो गया था, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने 40 लाख रुपए शहीद की पत्नी को दिए थे और 10 लाख उसके माता पिता को दिए थे, जिसके बाद से आज जो शहीद की पत्नी है अनामिका, उसने एसपी दफ्तर पहुंचकर गुहार लगाई है कि उसे ना तो नौकरी दी जा रही है और जो उसकी ननद है वो उससे नौकरी हटाने और जो पैसे 40 रुपए हैं उसे वापस उन माता पिता को दिलाने के लिए कहा जा रहा है, जिसके बाद उसने एसपी से आज ये गुहार लगाई है। लेकिन साफ तौर से पुलिस ने अभी तक कैमरे पर बोलने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने इनकार कर दिया है कुछ भी बोलने से।